तो हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को गाइस गूगल प्ले के रिडीम कोड को अगर रिडीम करने में दिक्कत आ रही है रूटर एप्लीकेशन के अंदर, तो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग आज की ये वीडियो पूरी देख लेते हैं ना, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और आप लोग आसानी से रिडीम कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस मैंने फाइनली देखो, मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं रिडीम सेक्शन पर चलता हूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पर एक गूगल प्ले का रिडीम किट ऑलरेडी है, जो कि मैं 19 जनवरी को मैंने रिडीम किया था। अगर आज की डेट की देखी जाए तो हाँ, तुम पहले आ जाओ, ठीक है। तो अभी 20 तारीख हो चुकी है भाई, कल थोड़े मतलब बारिश वरिश की वजह से, लाइट वाइट की वजह से, तो यहां पर मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अभी रिडीम कैसे होगा, कब होगा, ये प्रॉब्लम जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम आई, समटाइम कुछ ऐसा है ना, समटाइम प्लीज ट्राई अगेन लेटर, और कुछ और भी है जो भी मैंने कुछ मैंने देखा नहीं, स्पॉन्सर वस्पॉन्सर जो भी कुछ है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड किया था, और रिकॉर्ड कब हुआ कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं चलता हूँ अभी गैलरी के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जाएंगे, उसके बाद में अगर आप लोग प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो मैंने यहां पर सभी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए। आप लोग जिस कैटेगरी में आते हैं उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके अंदर सभी वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे लेकर रिडीम कोड चाहते हैं तो गाइस ऊपर वाले पे क्लिक कर देते। देखो अभी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो अभी इसके अंदर एक एक दो दो वीडियो मैंने डाल दिए, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं सब वीडियो यहां पर एडिट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आप गूगल पे लेकर रिडीम कोड चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऊपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना। अमेजोन की गिफ्ट कार्ड अगर आपको चाहिए तो सेकंड वाले पर, अगर आप रूटर से रिलेटेड वीडियो चाहते तो देखो रूटर के अंदर मैं एक वीडियो और बना चुका हूं, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ठीक है, लेटेस्ट वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि रूटर ऐप रजिस्टर कैसे करें, ठीक है। और दूसरी एक लेटेस्ट वीडियो है कि रूटर ऐप में वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, मैं वो भी वीडियो बना चुका हूं। तो रूटर वाली प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है। बाकी की अगर आप लोग कोई भी प्लेलिस्ट रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, जैसे कि अर्निंग ऐप की एडिटिंग वेडिटिंग जो भी आप लोग कमेंट करेंगे, अगर ज्यादा कमेंट्स होंगे तो उस पर लाइक कर देना, तो मैं उसकी एडिटिंग बना के मतलब जो भी प्लेलिस्ट बना के और मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी चलता हूं अपनी गैलरी के अंदर, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि ये रिडीम कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार वॉल्यूम बंद कर देता हूं। तो देखो यार, सबसे पहले मैं सुबह के 8 बजे, जैसे कि मैंने बताया था कि गूगल पे का रिडीम कोड 8 बजे रिडीम होता है, तो अभी इन्होंने अपनी टाइम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो मैं यहां पर 7:55 पर गया, तो यहां पर मैंने रिडीम करके देखा, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या हो रहा था कि 7:55 पर मैंने जैसे रिडीम किया तो भाई यहां पर दिखा रहा कि कूपन्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि 5 मिनट पहले अगर मतलब यहां पर जाते हैं तो कूपन्स अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपको दिखा देता हूं कि उसके बाद में जब मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया तो मैं गया 7:58 पे, मैंने सोचा 2 मिनट पहले जाता हूं, और जैसे यहां पर पूरे के पूरे मतलब मिनट कंप्लीट, मैंने सोचा 1-2 मिनट पहले डाल देंगे, सबसे पहले मैं रिडीम कर लूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए वहां पर होता क्या है, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा रहा 2 मिनट पहले भी कि यहाँ पर अभी कोई भी रिडीम कोड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में मैंने तीसरा वीडियो रिकॉर्ड किया तो मैं यहाँ पर देखिए कितने टाइम पे गया, फिर मैं गया फिक्स 8 बजे, यानी कि जैसा कि मैंने टाइम बताया था, बट अभी इन्होंने चेंज कर दिया, मैं दिखाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी ऊपर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कूपन्स अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप ऊपर देखेंगे तो नोटिफिकेशन आने लगे हैं। देखो अभी मैं थोड़ा बैक करूँगा क्योंकि वीडियो है, मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना आपको, तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी इसके अंदर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूं, तो अगर आप लोग ऊपर देखें तो अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, और यहां पर 8 बजे तक यहां पर कोई भी मतलब यहां पर रिडीम कोड अवेलेबल नहीं हुआ। अभी मैं चलता हूं तीसरी वीडियो के अंदर जो मैंने यहां पर रिकॉर्ड की थी, ठीक है। तो अब फिर मैं यहां पर जब गया ना, तो मैंने क्या देखा यहां पर कि अभी भी 8:02 हो चुके थे, लेकिन कोई भी गूगल पे का रिडीम कोड इन्होंने अवेलेबल नहीं किया रूटर वालों ने, ठीक है। थोड़ा हम वीडियो को स्किप करते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा, और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर हुआ क्या, ठीक है। तो यहां पर क्या कि देखो मैं थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहां पर एक चौथी वीडियो कुछ प्ले कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूं, ठीक है। तो मैं जैसे स्किप करता हूं, अभी मैं यहां पर एक चीज आपको दिखा देता हूं इंस्टेंट में, ठीक है, कि जब मैं रिडीम करने गया ना 8:10 के बाद, मतलब 8:10 जब हो चुके थे, तो यहां पर क्या था, गूगल पे रिडीम कोड का जो ऑप्शन था ना भाई, वो यहां पर शो करने लग गया था, मतलब लोग रिडीम करने लगे थे। और ये यहां पर भाई मैं नहीं मानता, क्योंकि भाई यहां पर सिर्फ ये सिर्फ ऐसे ही दिखाते हैं, पहले मैं मतलब सोचता था, ठीक है, लेकिन यहां पर जो नाम आते हैं ना वो रियल आते हैं, ठीक है। यानी अब यहां पर जो सम टाइम जो प्ले कि कूपन्स तो अवेलेबल दिखा रहा है, बस यहां मतलब आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिखा रहा होगा कि सम टाइम प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जब एक से मतलब ज्यादा लोग यहां पर, जैसे 2 मैनी स्पॉन्सर्ड जो भी है, अगर जैसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रिडीम करते हैं ना, तो भाई यहाँ पर सर्वर में इनके दिक्कत हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पर ये रिडीम नहीं होते। बट अगर आप ऊपर से मैसेज देखेंगे जो नोटिफिकेशन, वो यहाँ पर आने लगे थे, ठीक है। लेकिन और उसके बाद में भाई मैं यहाँ पर करता रहा, तकरीबन 8:12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो 8:13 तक गाइस यहाँ पर रिडीम नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि रिडीम का जो टाइम है, अभी उन्होंने क्या कर दिया रिडीम का टाइम। तो मैं रूटर के अंदर जाता हूँ,
और आप लोग यहाँ पर देखें जो मेरे 7500 कॉइंस कटे ये 8:36 पे, यानी कि 8:30 के बाद में ये रिडीम होना, मेरा मतलब जो मेरा 8:30 के बाद में रिडीम हुआ सुबह सुबह, और यहाँ पर मतलब 8:30 सक्सेसफुली रिडीम हो गया। और मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई देखो मैं आपको एक प्रूफ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो नाम चलते हैं ना वो रियल में ही चलते हैं, क्योंकि उसके बाद में मैंने देखा तो यहाँ पर आप खुद ही देखें तो यहाँ पर मेरा नाम भी ऊपर आ रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है कि यहाँ 25 रुपये का गूगल पे का जो रिडीम कोड था वो मैंने रिडीम किया, आप लोग यहाँ पर खुद ही देख लो, ठीक है। तो अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ और भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस गूगल पे रिडीम कोड को रिडीम करता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं गूगल प्ले स्टोर के अंदर अपने चलता हूँ, ठीक है। और मैं रिडीम करके देखता हूँ अभी रिडीम ये हो रहा है या फिर क्यों 2-3 दिन हो चुके भाई, एक्सपायर का कोई सिस्टम तो नहीं है इसके अंदर। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पर खुद ही देख सकते हो, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैं जैसे यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो ये 25 रुपये फाइनली हमारे गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पर मेरे भी 611 रुपये गूगल प्ले स्टोर के अंदर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग 8:30 यानी कि अगर समटाइम प्लीज़ ट्राई, अगर लेटर दिखाता है ना तो आप लोग चाहो कि 9 बजे तक यहाँ पर रिडीम होता, तो आप लोग जब रिडीम करो जब सब लोग कर चुके हैं, मतलब 8:30 के बाद में, मतलब आप करते रहो। देखो ऐसा नहीं, मैं जैसे कि 2 महीने जो दिखा रहा है ना, तो मैं नहीं डेंजरस कुछ ऐसा मैंने ध्यान से नहीं देखा। तो आप लोगों को क्या करना कि जल्दी जल्दी रिडीम नहीं करना, अगर आप रिडीम करोगे जल्दी जल्दी तो ऐसा होगा, और कई बार क्या होता है कि हमारा रूटर एप्लीकेशन लॉग आउट भी हो जाता है और फिर लॉगिंग करने में तकरीबन यहाँ पर ले जाता है 6-7 मिनट, ठीक है। तो आप लोगों को बार बार जल्दी जल्दी यहाँ पर लॉगिंग मतलब नहीं करना है, जो भी कुछ आप मतलब यहाँ पर रिडीम कर रहे थे तो आप लोग जैसे 5 मिनट के बाद करेंगे, ठीक है। 9 बजे से 9:15 बजे तक यहाँ पर रिडीम होता है, तो आप लोग रिडीम कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको ऊपर दिखा दिया कि नाम यहाँ पर शो करते हैं भाई, वो रियली नाम शो करते हैं कि जो भी चीज़ रिडीम करता है ना वो इंस्टेंट, और ऐसा भी नहीं होता कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब मैंने अभी कुछ लोग तो नहीं, मैं मतलब वो छोड़ो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या कि कुछ लोगों का कहना होता है कि जैसे कि रिडीम कर लिया तो 1 घंटे तक नाम शो करेगा, ऐसा नहीं इंस्टेंट के इंस्टेंट नाम शो करता है, तकरीबन 1 मिनट बाद 1 मिनट के अंदर ही नाम यहाँ पर शो कर देता है, ठीक है। तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, और आप लोगों के लिए भाई मैंने यहाँ पर प्ले लिस्ट जो बनाई है उसको जाके भी चेकआउट कर लेना, अगर आप लोगों की फेवरेट अगर कोई भी प्ले लिस्ट रह गई है, जैसे कि देखो उसी टॉपिक की फिर वीडियो भी आ जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर आप लोग अर्निंग एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप लोगों को कॉमेंट्स कर देना कि अर्निंग ऐप की लेके आप, पेटीएम कैश, अमेजोन गिफ्ट कार्ड, जो भी आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्ले लिस्ट मैं ऐड कर दूंगा, बट अभी मैंने यहाँ पर 4 प्ले लिस्ट ऐड की हैं, बट मेरी ये 2 प्ले लिस्ट पहले थी और ये 2 प्ले लिस्ट मैंने अभी ऐड की, और अर्निंग एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा आई पड़ी है, तो आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो अर्निंग एप्लीकेशन से रिलेटेड मतलब वीडियो काफ़ी ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि अभी मेरे पास 3-4 ऐसी एप्लीकेशन पड़ी जिसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो अभी इंस्टेंट के इंस्टेंट की पेमेंट मतलब ले सकता हूँ। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, बट ऐसा नहीं, टास्क भी उसके अंदर डेली नए नए आ रहे हैं और टास्क भी कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जाके चेकआउट कर लेना, और आप लोगों से यार बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो अभी यार इसको अपलोड करना है, बाद में हम दोबारा से शूट करेंगे, ठीक है।